मौसम की मार से बर्बाद फसलों की उचित मुआवजा किसानों को दिलाए जाने के लिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया और बड़े उद्योगपतियों द्वारा फर्जी किसान बनकर करोड़ों रुपए टैक्स की चोरी किए जाने का विरोध किया। साथ ही इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। और किसान घोषित करके टैक्स चोरी की है उसको लेके है। एक तो पहला चीज है कि जो मौसम बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही और आप दावा कर रहे हैं कि बढ़ोतरी हुई। आम आदमी पार्टी के नेता प्रबल प्रताप शाही ने कहा कि किसान एक बार फिर मौसम की मार झेल रहा है हुई है और सरकारों ने मुआवजे की घोषणा की, वो मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। हम मांग कर रहे हैं कि फिर से चिन्हित करके किसानों को मुआवजा दिया जाए। पहली मुद्दा ये। दूसरा, धान क्रय केंद्रों ने कोई भी फसल धान किसानों से नहीं खरीदा है, लेकिन वो समाचार पत्रों के माध्यम से बढ़ोतरी के कह रहे हैं कि हमने बहुत रिकॉर्ड खरीद की। हम इसका मांग कर रहे हैं कि उनकी सुनिश्चित किया जाए कि धान क्रय केंद्रों से और सरकारी केंद्र उनकी फसलों को खरीदें।